गैलीलियो ने जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की इंक्लाइन प्लेन वाली, उसके बाद इस टॉपिक पे न्यूटन ने आगे इसकी स्टडी की और उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज निकाले मोशन के, जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्दर स्टडीड Newton further studies Galileo ideas on force and motion and presented 3 fundamental laws that governs the motion of object. Newton ने आगे Galileo की ideas की study की और उन्होंने 3 fundamental laws निकाले motion के, जो कि motion को govern करते हैं. These 3 laws are known as Newton's laws of motion और उसको उन्होंने Newton's laws of motion का नाम दिया. पहला लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना ही पसंद करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया हो। मीन्स जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक कि रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगी और एक मोशन वाली बॉडी मोशन में रहना पसंद करेगी। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। रेजिस्ट का मतलब हम जानते हैं, रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, जैसे हमने फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा था जो कि करंट को रोकता है, वैसे ही इसमें All object resist a change in the state of motion means जो उनके motion की state को change कर दे, ऐसे change को object रोकता है। In a qualitative way, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. That is why the first law of motion is also known as the law of inertia. किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एक टेंडेंसी होती है कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो मोशन में है, वो मोशन में रहना पसंद करेगा। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया भी कहते हैं, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, Certain experiences that we came across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia. हम अपनी day to life में motor car में तो हमने travel किया ही होगा, उसी का एक example लेते हैं जो कि law of inertia पे based है, यानी कि Newton first law पे based है। क्या? We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the car. With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. Means, इस पूरे example से हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम motor car में travel करते हैं और तब हमारी पूरी body motion में रहती है, लेकिन अगर हम car को या फिर मोटरसाइकिल को स्टॉप करने के लिए जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी मोशन में है, बट जब हमने ब्रेक लगाया तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो अचानक से रेस्ट पे आ गया और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है। इसलिए जब ब्रेक्स लगाते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हम लोग थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स हमें आगे की तरफ धक्का लगता है, जिससे हमारी बॉडी आगे की तरफ आ जाती है। सो बेसिकली इस एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि
जब भी मोटर कार में ब्रेक्स लगते हैं टू स्टॉप दैट मोटर कार, तो हमारी बॉडी पूरी मोशन में रहती है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है वैसे हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाता है और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में रहता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा एक शिफ्ट आ जाता है हमारी बॉडी में। और ये होता किसकी वजह से है? ये होता सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से है। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मे थस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट। और कोलिशंस विद द पैनल्स इन फ्रंट। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। जब ऐसा होने से कभी कभार एक्सीडेंट्स के भी खतरे या फिर चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा सेफ्टी बेल्ट्स पहन के रखें। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोवर। सेफ्टी बेल्ट पहनने से क्या होता है, वो जो हम आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं या हमारी बॉडी आगे मूव कर जाती है, वो उसको रोकने में या उसको धीमा कर देती है, जिससे हमारी बॉडी बहुत तेज से आगे ना मूव करे, वो उसका फोर्स कम हो। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी नोटिस किया है, जब हम बस में रहते हैं, बस में मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और अचानक से ड्राइवर भैया आए और उन्होंने बस स्टार्ट कर दी, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है, झटके से स्टार्ट होती है, तो हमारी बॉडी पीछे साइड मूव कर जाती है, हमें पीछे साइड धक्का लगता है, हम पीछे साइड फॉल कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले हम रेस्ट पे थे, अचानक से जब कार या फिर बाइक या फिर बस स्टार्ट हुई, तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मोशन में आ गया और हम पूरे रेस्ट में थे, इसलिए हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी रेस्ट पे है और नीचे वाला पार्ट हमारा मोशन में आ गया, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड फॉल कर जाते हैं। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus. ऐसा इसलिए होता है कि जब बस में मोशन आया, तो जो हमारी फीट है, जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है या फिर जो हमारे पैर हैं, उसमें भी मोशन आ गया और हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी रेस्ट पे रही। बट द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी अपोजेस द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड फॉल कर जाते हैं और ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। थर्ड एग्जाम्पल या इसी का थर्ड केस देखें। वेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। अगर मोटर कार हाई स्पीड से अगर हम उसको घुमाएँ या फिर जब टर्न आता है तो हम मोड़ते हैं गाड़ी, तब हम देखते हैं कि हम एक साइड की तरफ फॉल कर जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार वी स्लिप वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी। हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हैं पहले, लेकिन जैसे एक टर्न आता है और हम अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, वैसे ही हम एक साइड स्लिप कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो हमने तीन केसेस पढ़े। पहले केस तो ये कि जब सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो सपोज एक कार चल रही है तो हमारी बॉडी भी मोशन में है, जब सडन ब्रेक अप्लाई हुआ तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, इसकी वजह से हम आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं। दूसरा केस ये कि जब हम रेस्ट पे हैं और अचानक से कोई भी कार या फिर बस स्टार्ट हुई, तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे है, बट जैसे ही मोशन आया बस में, वैसे ही हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी मोशन आ गया, लेकिन हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पे थी, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ फॉल करते हैं। थर्ड केस ये था कि जब टर्न आता है या जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हैं और अचानक से एक टर्न आता है, मीन्स हमारे फोर्स की, हमारे मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है, तब हम एक साइड की तरफ फॉल कर जाते हैं। दीज थ्री केसेस आर एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।